myself Jitendra Kumar. I told you me government job is a like a halwa. ठीक है, तो मैं आपको बता रहा था 2016 में IDPS बच्चों का साथ माइंड गेम खेला. ठीक है, वो किया क्या देखिए, जितने बच्चे भी एग्जाम दिए थे या SBI के हो, RBI के हो, या फिर रिसेंट एग्जाम हो RRB का भी, RBI का भी, IPS PO क्लर्क जो एग्जाम के बाद जो बच्चे एग्जाम दिए थे वो रियलाइज कर पा रहे मेरी बात को. मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जितने एग्जाम भी हुए थे प्री के, ठीक है, बिलो एवरेज 75% बच्चे तो एग्जाम क्लियर कर लिए, बाकी जो 25% नहीं कर पाए ना, उनका सिर्फ एक ही गलती था कि वो इवन इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए या उन्हें इंग्लिश बहुत ज्यादा ही वीक था. तो मैं क्या बोल रहा हूं, आपको इसको लेकर तो टेंशन लेना ही नहीं है. बच्चे वगैरह सोचते हैं एग्जाम टाइम, चलो हमको लग रहा है ये हो जाएगा, ये भी लग रहा हो जाएगा, थोड़ा पैराग्राफ पढ़ लिए, पैराग्राफ पढ़कर मतलब हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा. बच्चे इंग्लिश में 25 से 26 अटेम्प्ट कर लेते हैं आउट ऑफ 30. और पता है नंबर कितना आता है जब वो रिजल्ट पास होता है, 2.2 3.2, किसी चीज बच्चे को 0 आता है. मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपका एक बार कंसेप्ट इंग्लिश का बेसिक, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एरर वर्ब प्रोसेस पैरा जंबल पैसेज कैसे अटेम्प्ट करना है, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो क्लास में ही कोड वर्ड बात हो, अगर पढ़ना ही पड़ेगा वोकैब क्लास में हो जाएगा, ये तो डेली बात हो वोकैब के कोड में. और ये सारा सेक्शन एरर का रूल्स, मैं क्या बोल रहा हूं, इंग्लिश का वीडियो अपलोड करूंगा, देखे कितना इंटरेस्टिंग है आपको. मतलब क्या बोलो है, 25% लव हो जाएगा ये इससे, बाकी 75% मैं 2 महीने में कंप्लीट कर दूंगा. उसका बच्चे सिर्फ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने नहीं सोचेंगे, उसके बाद नहीं सोचेंगे नंबर उठाते हैं आउट ऑफ 30 एटलीस्ट 20+. अब वो ये सोचेंगे, माइंड सेट चेंज हो जाए, देखिएगा बहुत इंटरेस्टिंग है. और जो बच्चे प्री क्लियर कर लिए, जैसे ही मेंस में गए ना, मेंस एग्जाम देने, सिचुएशन पैनिक हो गया. पता है इस बार IPS PO मेंस में जितने बच्चे के दिए थे, सिचुएशन पैनिक हो गया. पता है क्यों, लेवल पूरा हाई कर दिया, बच्चे लोग पैनिक हो गए, सिचुएशन पैनिक. एग्जाम से बाहर आते ही बोलते हैं जीतू भैया पेपर तो बहुत हार्ड था, कैट लेवल पेपर तो कैट लेवल का था. मैं बोला क्या मजाक कर रहा हूं यार, थाई मैं पेपर खुद देखा था, एग्जाम भी किया था. क्या था ना, लीनियर था ना, फ्लोर था ना, सर्कुलर यही सब था ना, बजर सिर्फ लेवल हाई कर दिया. आप डर गए, पैनिक हो गए. गलती किसकी थी, स्टूडेंट प्लस कुछ वेबसाइट का नाम है, मैं वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा, कुछ था. ठीक है, गलती क्या हुआ, वो प्रीवियस पैटर्न के संग प्रोसेस प्रीवियस ईयर के पेपर किए जा रहे. यार IDPS पागल है क्या, आपको प्रीवियस ईयर पेपर दे देगा, आप 100 में 100 कर लोगे, सारे बच्चे को जॉब मिल जाएगा, ऐसा होता है क्या? आप लेवल हाई नहीं कर रहे हो, वही सब किए जा रहे हो. क्या मजाक है यार, या तो आप अपने मदर फादर से मजाक कर रहे हो या खुद के लाइफ से आप मजाक कर रहे हो. मैं बोल रहा हूँ यार, सही प्रोसेस सही तरीका सही ट्रिक पता होना बहुत जरूरी है. देखिएगा रीजनिंग है, 5 से 6 पजल अपलोड करना हाई लेवल का, जो लेवल बहुत ही ज्यादा स्टैंडर्ड है. ठीक है, फ्लोर बच्चे लोग पैनिक है, जब आता ना फ्लोर का सर तो बोलते थे उसमें डेट भी दिया हुआ था, रिलेशन भी दिया हुआ था भैया, फिर बहुत कुछ मिसिंग भी था. एक बार फ्लोर का पजल दिखाऊंगा ना वीडियो, आप बोलोगे भैया ये वीडियो आप पहले अपलोड क्यों नहीं किए, आप खुद हम उसमें मजाक कर लिए, आप खुद बोलोगे. देखिएगा मैं 5 से 6 सम अपलोड करूंगा रीजनिंग के हाई लेवल पर जब. ठीक है, आप देखिएगा, वो देखने के बाद आपको खुद मतलब रियलाइज होगा, एटलीस्ट बहुत सारे पजल आप कर लोगे वो वीडियो देखने के बाद. आउट ऑफ 100 आप 70 पजल तो आप कर लोगे वो वीडियो देखने के बाद, 30 में जो अटोगे मैं क्लास में करवा दूंगा वो नॉर्मल है. ठीक है, और कभी और एक बच्चा और एक गलती जो बच्चा करता है एग्जाम में कभी कभी सोच जाना ये आएगा तो कर ले. आप सोच के जाओ हमेशा 50 पजल आएगा इसका तैयारी करेंगे, आएगा तो आएगा, बाकी ये आ गया तो मेरे लिए बोनस है, बाकी सोच के जाओ. ठीक है, और इसको कैसे करना है
बताऊंगा सही तरीका। बच्चे लोग बहुत गलती करते हैं, ऐसे करते हैं सर्कुलर का सम, 1 2 3 4 5 8 2 4 5 8 ये वो क्या मजा आ गया। अब देखिएगा अपलोड करने वाला हूं मैं, ठीक है। और जो बच्चे अच्छे मेहनत कर रहे हैं, सही को सही तरीका पता है, जो सही में स्कोर कर रहे हैं, मैथ में तो स्कोर कर ही रहे हैं, रीजनिंग में स्कोर कर ही रही है, इंग्लिश में स्कोर कर ही रही है सभी कोई, लेकिन क्या हो रहा है इंटरव्यू के टाइम वो सिलेक्ट नहीं हो पाया, पता क्यों? उनका गलती से देखी था, वो जीएस सेक्शन में स्कोर नहीं कर पाया। मैंने बहुत बार एब्जॉर्ब किया, देखा भी था बहुत बच्चे को, जो बच्चे पढ़ने में तेज है वो जीएस सेक्शन में 14 17 20 आउट ऑफ 40 स्कोर कर रहे हैं। पता है गलती उनकी भी नहीं है और बहुत सारे बच्चे की गलती नहीं है, गलती कुछ वेबसाइट की है, बैंकिंग करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीके, ठीक है। और बहुत सारे बहुत बोलता है 6 महीने का पढ़ लो हो गया, मैं बोलता हूं बिल्कुल भी नहीं, 2 महीने का पढ़ो सी 35 का आपका कंफर्म आउट ऑफ 40। आप बोलो कैसे? देखिए आपको 4 से 5 या 5 से 6 शब्द आपको यही किसी से मिल जाएगा और 10 से 12 शब्द इसी से मिल जाएगा। बच्चों समझ नहीं आता बैंकिंग कौन सा है, बैंकिंग कौन सा है, अब बाकी यहां से मिलेगा आपको श्योर शॉर्ट 100%, ठीक है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, एसबीआई का एग्जाम दिए, एलआईसी का एग्जाम दिए, नाबार्ड का एग्जाम दिए, आरबीआई का एग्जाम दिए, आरआरबी का एग्जाम दिए, आईपीएस एग्जाम दिए, 2 महीना का गैप, 2 महीना का गैप, 2 महीना का गैप, 2 महीना, 2 महीना, यहां बैंकिंग पढ़ते हैं, रट्ठा मारते हैं, रटते हैं, भूल गए, फिर 2 महीना का एग्जाम दिए, फिर पढ़े, फिर पढ़े, फिर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं। जो बच्चा ऐसे कर रहा है या तो अपने नाइट से मजाक कर रहा है या फिर अपने मदर फादर को बेवकूफ बना रहा है, झूठी उम्मीद दे रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये चीज क्या है, एक बार कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाए ये चीज है क्या, क्या चीज है एसएलआर, रिपो रेट, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, करेंसी, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग नोटिस मनी, टर्म मनी, यही सब चीज है ना, सर्टिफिकेट, सब अगर एक बार आप समझ जाए बैंकिंग चीज है क्या, तो फिर तो आपको यहां पर टाइम वेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है। और जो बच्चे रटते हैं उन्हें पता होगा, उन्हें कम से कम 10 से 12 दिन लगता होगा ये रटने में, हर आप 2 महीने बार 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 10 एग्जाम रटे 120 दिन बर्बाद कर दिए, साल में 365 दिन 120 दिन इसी में बात कर दी, क्या आप आगे निकलोगे? आप आगे निकलोगे, आपको लगता है ऐसे करें तो आप आगे निकलोगे स्ट्रैटेजी के? अरे यार कंस्टेंट है ना, ये तो कंस्टेंट ही रहता है, चेंज तो कोई होता नहीं है। क्या है, डैम है, रिवर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, पार्क है, हेडक्वार्टर है, यही सब है ना। अगर आप इसको एक बार अच्छे से ट्रिक के साथ पढ़ लो फिर तो कसम से बोला जिंदगी में आप नहीं भूलोगे। मैं खुद वीडियो अपलोड करूंगा इसके ऊपर, डैम हुआ, रिवर हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ, देखिएगा सब नंबर आता है, 1-2 नंबर का तो जो वीडियो अपलोड करूंगा आपको मिल जाएगा हर हर एग्जाम में, ठीक है। मेरा दोस्त अजेंद्र अभी उसका रिसेंट में आईपीएस मेंस क्लियर हुआ है, ठीक है। वो बोला हमको भाई जितना तू ट्रिक बनाता है ना एक काम कर, इसके ऊपर मैं ट्रिक बना दे, मैं चाहता हूँ कहीं भूलूंगा तो मैंने उसको बना के दिया, ठीक है। अभी रिसेंट में एग्जाम हुआ आरआरबी मेंस का एसिस्टेंट वाला, उस दिन फोन किया, बोलता है जिसको स्ट्रैटेजी का पढ़ लिया दोबारा फिर से हम बोले अब पढ़ा तो बहुत मार खाएगा, हंसने लगा। तो वही तो यार, अगर आप एक बार इस चीज को अच्छे से पढ़ लो तो दोबारा पढ़ने का टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है पढ़ने का यार, मैं वीडियो अपलोड करूंगा, देखिएगा वीडियो अपलोड करने में आप क्या बोलोगे, यार गजब भैया सच में अब तो मैजिक हो गया यार, डैम तो दोबारा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ये वीडियो देख लिया बस फिल्म की तरह याद हो गया, फिल्म में क्या था। आप खुद बोलोगे रिवर किस स्थिति के, मतलब कहां पर क्या रिवर है, फिल्म की तरह याद हो, फिल्म याद हो गया, यार फिल्म आता था ना जय हो गजनी दंगल, आपको याद हो गया, अरे हाँ वो सीन था, समझ गए पूरा डैम पूरा ये खत्म, कहानी खत्म, पढ़ना नहीं लिखा ठीक है कुछ भी हो, ठीक है। और करेंट अफेयर ये तो मैं क्लास नहीं करा दूंगा एग्जाम से 10 दिन पहले, सब 10 दिन पहले क्या क्यों लेता है, मैं 10 दिन पहले ये कंप्लीट करवा दूंगा आपको, क्लास में ही होगा यार डेली 10 करंट अफेयर, हंसी मजाक करते करते पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। और बहुत सारे साइड क्या करते हैं, कैप्सूल देते हैं बच्चों के साथ मजाक करते हैं, मजाक किया करो, 70 पेज का पढ़ाओ
210 पेज का एग्जाम से पहले 10 दिन पहले वो भी 70 पेज इंटू 3 क्यों बोला मैंने, इसलिए बोला जब वो एक पेज को आप नोट कर कॉपी में तो वो 3 होता नहीं है, वो पता कितना होता है, वो होता है 3 होता है कन्वर्ट, इसलिए 70 × 3 = 210। एग्जाम से पहले 210 पेज का कैप्सूल एसटी पोर्टल रीजनिंग मैथ स्ट्रेटेजी के बैंकिंग करंट अफेयर जिन्हें ये पता नहीं है जो ऐसे कर रहे हैं उन्हें तो सब पढ़ना पड़ेगा ना, और जो ऐसे जो मेरे प्रोसेस फॉलो करेंगे उन्हें तो सब पढ़ने देंगे, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे तो ये कैप्सूल तो बहुत बैड हैबिट है बच्चों को पढ़ने का, बच्चे लोग बोलते हैं बहुत बेनिफिट होता है, मैं बोलता हूँ आपको एक स्टेप पीछे ले जा रहा है लाइफ में और इस फील्ड में, और गवर्नमेंट है क्या बार बार मैं बोलता हूँ एक स्टेप आगे जाना दिन पर दिन आगे निकलते जाना, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब। अगर आप सोच रहे अपने फैमिली के लिए अपने परिवार के लिए या अपने लिए कुछ करना है, आप सिर्फ आपको 2 से 3 महीना दोगा लाइफ का, इतने दिन तो वेस्ट कर ही दिए, सिर्फ इतना ही दीजिए। मैं क्या बोलूं, इतना तो मैं करा ही दूंगा कि आप एटलीस्ट रिटेन क्लियर कर 1,00,000 बच्चे का एग्जाम दे रहे हैं, 5,000 भी सिलेक्ट हो रहे हैं, तो उस 5,000 में आपका नाम होगा, पक्का होगा। देखिएगा आपको अभी लग रहा होगा आपका खुद, लेकिन जब मेरा सम आएगा रीजनिंग का इंग्लिश का मैथ का कुछ वीडियो मैं अपलोड करूंगा, देखिए आप कितना मजा, आपको सच में प्यार हो जाएगा 100% लव करा के रहूंगा, ठीक है। और मैं बार बार बोल रहा हूं जो बच्चे फाइनेंशियली वीक है मैं चाहता हूं उन्हें फ्री में क्लास दो, प्लीज फ्री में क्लास दो। मैं बार बार नहीं बोलता था, मैं सब कुछ ऐसा हो चुका लाइफ में, मैंने कहता हर बच्चे का साथ ऐसा हो, ठीक है। और मेरा वेबसाइट वाला आ गया बताया, इसके पहले भी तुमने बताया था successkey98.com, ठीक है। और मेरा नंबर यह है 7687802096, और टारगेट अभी मेरा यही है LIC00, ठीक है। और BSF आर्मी का जितना भी फॉर्म आया इसकी दोनों तैयारी करना अच्छे से, ठीक है, और सही मजा आएगा पढ़कर, सीरियस। और कुछ नहीं बोलना है।